आलियू पुलिस ने बैंक में चोरी करने का प्रयास करने वालों को किया गिरफ्तार। वालियू पुलिस द्वारा चार शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस ने लाखों रुपए के माल बरामद किया है, जबकि इनकी गिरफ्तारी से 10 मामलों का पर्दाफाश होने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शहर के वालियू क्षेत्र में दिन प्रतिदिन चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण वालियू पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। बढ़ती चोरी पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास चौगले के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें सहायक पुलिस निरीक्षक सुधीर धायरकर, पुलिस उपनिरीक्षक विजय चौहान, पुलिस हवलदार मनोज मोरे, पुलिस नायक सचिन दार दोरकर, महेश जाधव, राजेंद्र फड़ और पुलिस सिपाही सचिन बलिदादी, पुलिस अधिकारी व कर्मचारी की एक टीम बनाई गई। वालियू क्षेत्र में चोरी मामले को लेकर सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की तलाश में जुट गई। इसी बीच पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज व तकनीकी के माध्यम से चार चोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अंकित उर्फ बंटी यादव, शिव पूजन जय श्री प्रजापति, संदीप प्रेम सिंह बटवाड़े और बामड़ प्रेम सिंह बटवाड़े को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वर्ष 2019 में वालियू और मानिकपुर पुलिस स्टेशन में दर चोरी के 10 मामलों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया कि मानिकपुर व वसई पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरी करने के प्रयास में उक्त आरोपी का समावेश है। पालघर जिला से राधेश्याम सिंह की रिपोर्ट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और मानिकपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें अटेम्प्ट टू थेफ्ट हुआ है और हमारे एरिया में छोटी मोटी ऐसी चोरी की घटनाएं हुई है। उसका स्टडी करते समय हमारे एपीआई दायरकर और उसके टीम को इन्फॉर्मेशन मिला। उन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज का स्टडी करके सस्पेक्ट करके हमारे एरिया से दो लड़के लोगों को उठाया। उनके पास इंटरोगेशन करने के बाद पता चला कि दोनों बैंक में उन्होंने चोरी करने का प्रयत्न किया है। उनके पास हाइड्रोलिक कटर है जो उन्होंने ऑनलाइन सर्च करके, मतलब अलीबाबा करके एक एप्लीकेशन है उसमें सर्च करके वो पुणा से लाया है, तो उसकी सहायता से उन्होंने बैंक में बैंक का ताला तोड़ के चोरी करने का प्रयत्न किया है। तो और इंट्रोगेशन के बाद मालूम पड़ा कि हमारे एरिया से भी कुछ मोटरसाइकिल थेफ्ट और कुछ हाउस ब्रेकिंग का ऐसा 8 वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है। तो अभी तक उनके पास से 10 घटनाओं का ऐसा खुलासा हुआ है। सर, दोनों आरोपी की उम्र और शिक्षण कितना? आरोपी लगभग 20-22 साल के हैं। एक आरोपी है 12th पास किया है, उसमें दोनों सगे भाई है, तो एक इंजीनियरिंग कर रहा था, उसने छोड़ दिया है। इनके पास से कितने का माल जब्त हुआ है? अभी तक 4 बाइक और 2,12,000 का माल जब्त हुआ है। उन्होंने जो चोरी करने को जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, वो कटर वगैरह, वो भी बरामद किए हैं। सर, बैंक में इनका क्या गया? पहला प्रयास है कि कहीं और भी कर चुके हैं? नहीं, अभी तो इतना इंट्रोगेशन बाकी है, अभी देखते हैं पीछे में कितना और खुलासे होते हैं। और क्या इनका मकसद था? उनको पैसे की जरूरत थी, बोलते वैसे कि लोन है, कर्जा है, वो चुकाना था, इसलिए पैसे की जरूरत थी। सर, क्या लगते हैं इनको पकड़ने के बाद चोरियां थम जाएंगी? डेफिनेटली कम तो हो जाएगी, क्योंकि जो थ्रेट था दो बैंक में अटेम्प्ट होने के बाद, थ्रेट था कि कोई बड़ा अंजाम बैंक का हो सकता है, उसको तो ब्रेक 100% लगेगा। सर, पब्लिक को क्या आह्वान करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि बैंक की सिक्योरिटी और बढ़ाना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा, इसमें भी सीसीटीवी कैमरा का हेल्प हमें पुलिस को काफ़ी हद तक अच्छी हुई है, तो हर सीसीटीवी कैमरे वगैरह अच्छे क्वालिटी के लगाने चाहिए, कंपनी हो या घर या सोसाइटी में अच्छे क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे। सर, एक कंपनी में जो चोरी की वारदात को अंजाम देते थे, उसको किस तरह से करते थे कंपनी में? वो ये जो दोनों जो सगे भाई, उसमें से एक लड़का कंपनी में 10-15 दिन वगैरह काम करता था, वहाँ से पूरी मालूम निकालता और बाद में वो अपने दूसरे भाई को बताता, दूसरा भाई जाके वहाँ चोरी करता। सायरन नहीं बजता तो बैंक में बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। और दूसरे बैंक में क्या हुआ कि वहाँ भी ताला तोड़ा, लेकिन उनको एटीएम तोड़ने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो उनको सक्सेसफुल हुआ नहीं, कटर लगा नहीं उधर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।